दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आप लाखों या करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहिए। एक बात तो शत प्रतिशत सच है कि हर कोई अमीर बनना चाहता है और उसके लिए लोग दिन रात जद्दोजहद करते हैं। वैसे तो हमने आपको अमीर बनने के नियम तो समझा ही दिए हैं, लेकिन उन नियमों के अलावा भी हम आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसे लेकर कई सारे लोग दुविधा में रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ये जानते ही नहीं हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ऐसे में आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी जानकारियां देने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बारीकी से समझ में आएगा। इसलिए बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जब कभी भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो लोग सबसे पहले कहते हैं इसमें रिस्क बहुत है। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, लेकिन अगर आपको गाड़ी अच्छे से चलानी आती है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में फर्क होता है। कैलकुलेटेड रिस्क कब तक लेते हैं? जब आपको पता होता है कि यहाँ पर फायदा होने की संभावना है। अब कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है, चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप यंग हैं और महीने में अच्छा खासा पैसा बचा लेते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, और अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा कम रिस्क लेकर चलना चाहिए, और ये भी देखकर चलना चाहिए कि कहां पर कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि अगर आपको फायदा केवल 5 रुपए का हो रहा है लेकिन नुकसान 20 रुपए का हो रहा है तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करने चाहिए। अब स्टॉक मार्केट असल में होता क्या है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे की जरूरत पूरा करने के 3 तरीके होते हैं। एक वो जिसमें अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना पैसा खुद लगा लीजिए। दूसरा, आप किसी बड़े इन्वेस्टर से बोलिए कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाए। और तीसरा, पब्लिक फंडिंग। पहले और दूसरे तरीके में तो जनता यानी कि हमारा कोई रोल है ही नहीं, लेकिन तीसरे तरीके में यहां पर हम लोग आते हैं। अब पब्लिक फंडिंग के लिए कंपनी आम जनता से पैसे लेती है और वो अपने शेयर मार्केट में ऑफर करती है, जिसे IPO कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। आम लोग कंपनी के शेयर को इसी के जरिए खरीदते हैं और कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं, जिससे जब कोई कंपनी फायदे में जाती है तो वो फायदा उन्हें भी होता है, और अगर कोई कंपनी घाटे में जाती है तो वो घाटा उन्हें भी होता है। उदाहरण के तौर पर किसी कंपनी की कीमत 3 करोड़ रुपए है और उसने अपने 3 लाख के शेयर्स निकाले तो उसके हर एक शेयर की कीमत 100 रुपए होगी। अब जैसे कि आप उसके 20 शेयर खरीद लेते हो तो आप इस कंपनी के 2000 रुपए के मालिक बन जाओगे। अब अगर ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करके 6 करोड़ की हो जाती है तो आपके उन 20 शेयर की कीमत 2000 से 4000 हो जाएगी, यानी कि डबल। अब अगर कंपनी की कीमत घटकर 3 करोड़ से 1.5 करोड़ हो जाती है तो आपके 20 शेयर की कीमत 2000 से 1000 रह जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको घाटा होगा। अब यहाँ पर लोगों को ये देखना रहता है कि वो किस कंपनी पर पैसा लगाते हैं ताकि उनका पैसा डूबे नहीं और कंपनी की ग्रोथ के साथ उनकी भी ग्रोथ हो जाए। अब लोग इसे काफी हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कई लोग केवल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके अरबों के मालिक बने हैं। और यकीन नहीं होता तो हम आपको वॉरेन बफेट के बारे में बता दें, जिन्हें इतिहास के सबसे सफल इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है, जो केवल इन्वेस्टमेंट करके ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। पर स्टॉक मार्केट की सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप जब चाहे तब अपने शेयर्स को बेचकर उससे पैसे कमा सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कंपनी घाटे में जा रही है और आपके पैसे डूब जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप अपने शेयर कंपनी के घाटे में जाने से पहले ही बेच दीजिए, जिससे आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर के दाम तब बढ़ जाते हैं जब उन्हें बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं, और यही तो मार्केट का नियम है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ चीजों की कीमत भी बढ़ जाती है, और जब चीज की डिमांड ही नहीं रहती तो लोग उसे कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम आपको इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर रूल बताएंगे, वो ये कि आपको किसी भी कंपनी में तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपको लगे ये कंपनी आगे चलकर बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। जैसे लोगों को उसके प्रोडक्ट की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में
तब इन्वेस्ट करेंगे जब उसके शेयर की कीमत कम है, तो आगे चलकर आपको फायदा ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों ने 2004 में गूगल पर पैसे लगाए होंगे, वो लोग अब काफी अमीर बन चुके होंगे, क्योंकि गूगल ने तेजी से ग्रो किया है जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए बेधड़क इस फील्ड में आइए और अच्छा खासा पैसा कमाइए। हालांकि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, और इसीलिए हम आपको पर्सनली रिकमेंड करेंगे कि मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट सर्विस से बेहतर शायद ही कोई आपको मिलेगा, क्योंकि 30 सालों का बेहतरीन परफॉर्मेंस, 10 लाख से ऊपर सेटिस्फाइड कस्टमर्स, जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सक्लूसिव एजुकेशन वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोस, डेली वीकली और मंथली स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट्स, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की सुविधा, इन सभी चीजों के साथ ही पर्सनल स्टॉक एडवाइजर की भी सुविधा मिलेगी। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल के ऐप को इस्तेमाल करना न केवल बेहद ही आसान है, बल्कि इसके साथ ही आपको मिलेंगे 3000 तक के डिस्काउंट कूपन्स और 1000 रुपए तक का ब्रोकरेज ऑन कैश। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बस जरूरत होगी पैन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक प्रूफ की, और साथ ही एक डीमैट अकाउंट खोलने की, और सभी चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी, जिसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, आपका फोन नंबर और सिटी डालनी है, जिसके बाद आपका डीमैट अकाउंट बिना किसी झंझट के तुरंत बन जाएगा और फिर आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हैं और मोतीलाल ओसवाल से जुड़कर अपने इस इन्वेस्टमेंट के सफर को और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। अभी भी आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ा कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।